नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय और आप हैं भारत टीवी के साथ। जब बात करते हैं बचपन की, तो सुरक्षित बचपन बहुत जरूरी है, उसी की बात करेंगे। बेसिक फाउंडेशन के तहत आज नंद नगरी एसडीएम कोर्ट के बाहर यहां पर हैं जलाल जी, इनसे बात करेंगे क्या पर्पज है आज पूरी टीम के साथ यहां पर आए हैं, बताएं सर। हम सभी के आने का मकसद ये है कि हम बेसिक फाउंडेशन एक एनजीओ है जो बच्चों के अधिकार के लिए कमिटेड है। सभी बच्चों का अधिकार हम सुरक्षित करना चाहते हैं, स्पेशली जो ट्रैफिकिंग के जो इशूज हैं, जिसमें बच्चों को ट्रैफिकिंग में जो धकेला जा रहा है, और पेंडेमिक के समय में ऐसे बहुत ज़्यादा केसेस बढ़े हैं। तो हम चाहते हैं केंद्र सरकार जो कानून ला रही है वो पास हो और सभी बच्चे अपने घर में सेफ और सुरक्षित रहें, अपने समाज में सुरक्षित रहें, उनको ट्रैफिकिंग में ना धकेला जाए। समाज से क्या संदेश देना चाहते हैं आप, क्योंकि खुद फाउंडेशन के तहत जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं समाज से भी ये कुरूति दूर करनी चाहिए। जी, समाज से ये कुरूति दूर करनी चाहिए। उन्हें कहीं भी इस तरह का दिखता है कि कोई बच्चा संदिग्ध अवस्था में है, कोई संदिग्ध आदमी उनको लेकर जा रहा है, उनको बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहा है, तो वो अपना सहयोग दें, पुलिस को तुरंत सूचित करें, ताकि इस तरह के बच्चे अपने घरों से बिछड़ ना सकें। इसके अलावा फाउंडेशन और क्या क्या काम करती है? फाउंडेशन का काम बच्चों के साथ ही, बच्चों के लिए के ऊपर अन्य तरह की जो हिंसाएं होती हैं उन हिंसाओं से बचाने का काम है संस्था का बच्चों के लिए। हमेशा करते रहेंगे इस काम को? जी, हमारा हमेशा प्रयास रहेगा कि हम बच्चों को एक सुरक्षित भारत दे सकें। आई सपोर्ट ट्रैफिकिंग बिल, जो एक ट्रैफिकिंग बिल आने वाला है उसको ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपको वास्तव में कोई लगता है कि दिल्ली के अंदर या आसपास में कोई बच्चा संदिग्ध स्थिति में है, जैसा कि जलाल जी ने भी कहा, तो पुलिस को ज़रूर सूचित करें।